लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन 7 जो अभी आ रहा है वो सीजन 1 से हम लोग देख रहे हैं सलमान खान का। सीजन 1 से ऐसे बताया है, मगर सीजन 7 में जो बताया है वो हम लोग को सेंटिमेंट ही बहुत धक्का पहुंचा इस बारे में। और सलमान खान से हम लोग को कोई पर्सनल दुश्मनी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ सीरियल बैन करवाना है ये, तो इसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये सीरियल को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जन्नत और जहनुम जो बता रहे मैडम एक मिनट में आ रहे जन्नत जहनुम जो बता रहे उसमें वो हम लोग को बहुत धक्का पहुँचा है, क्योंकि एनामोल जो आँख जो बता रहे हैं इसमें एनामोल आँख भी जो है सो एक काना दज्जाल की है बोल के सुनते थे हम लोग बचपन में, जो अभी हर घर में एनामोल की आँख बता रहे जा रही, तो उसका रीज़न क्या है हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो सीरियल बैन करवाने की हम लोग अपील कर रहे हैं, तो बस यही हम लोग हाल ही में मेरे पे नज़र पे आया ये सीरियल, तो हम लोग फर्स्ट वीक में अगर हम लोग को मालूम होता तो हम लोग फर्स्ट वीक में अपील डाल देते थे इस बारे में। मैं हाल ही में मेरी नज़र से गुजरा बिग बॉस 7 विच इज़ हर्टिंग सेंटीमेंट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर शोइंग हेल एंड हेवन ऑन द अर्थ एंड ड्यू टू विच द रिलीजियस सेंटीमेंट्स आर बीन हर्टेड, वी हैव फाइल्ड यस्टरडे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लिस्टेड ऑन मंडे एंड इन दिस कनेक्शन इट इज़ रेडिकुलस दैट दे आर शोइंग dog in a heaven which is not at all acceptable by Muslim community in the entire world and the main role is been played by Salman Khan, leading Bollywood actor, and due to which in Allahabad High Court also they have filed appeal and the same was been kept for hearing on 30th November, and we believe in justice and we will get a justice by banning the Big Boss show 7. I'm a Khavi Abbasi advocate on Allahabad High Court. शिवाय इस घर की कहानी, हर कोई राजा या हर कोई रानी, पोपट दीवाना है मछली सयानी, अब पंगे चलेगा तो याद गिनाने।